स्वारघाट के समीप ग्राम पंचायत री के अंतिम छोर पर बने महाकाली माता मंदिर तियून खास में चोरों ने माता के गले पर हाथ साफ कर फरार हो गए। महाकाली माता मंदिर कमेटी प्रधान कर्म सिंह ठाकुर ने बताया कि रविवार सुबह जब मंदिर के पुजारी व कमेटी के सचिव रमेश चंद ठाकुर पूजा आदि करने मंदिर पहुंचे तो मंदिर के दरवाजे और ताला टूटा पाया गया। अंदर रखे गए गले का ताला भी टूटा पाया गया। घटना की सूचना ग्राम पंचायत प्रधान व पुलिस थाना स्वारघाट को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू की। कर्म सिंह ठाकुर ने बताया कि गले में एक माह का चढ़ावा था जो लगभग 50 से 60 हजार रुपए तक हो सकता है। उन्होंने बताया कि इससे पहले भी एक बार चोरों ने इस मंदिर में बड़ी वारदात को अंजाम देते हुए गल्ला पीतल की 7 बटलोहियां तथा 150 के करीब कंबल बरजाइयां साथ ले गए थे। इस बार चोरों ने गल्ले पर हाथ साफ किया है। उन्होंने बताया कि चोरी की पहली वारदात के बाद मंदिर परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे, लेकिन गत दिनों से हुई बरसात में आकाशीय बिजली गिरने से सारा सिस्टम खराब हो गया, अन्यथा चोर पकड़ने में आसानी हो सकती थी। उन्होंने पुलिस से आग्रह किया कि इस मामले को गंभीरता से लेते हुए उच्च स्तरीय जांच की जाए। गौरतलब है कि एक सप्ताह में स्वारघाट में चोरी की यह दूसरी वारदात है जो कि चिंता का विषय है। मामले की पुष्टि करते हुए DSP नैना देवी अभिमन्यु वर्मा ने कहा कि पुलिस मौके पर पहुंच गई है तथा छानबीन में जुट गई है। महाकाली कमेटी मंदिर तियून खास, आज सुबह करीब 6:30 बजे मुझे सेक्रेटरी रमेश का फोन आया कि महाकाली मंदिर में चोरी हो गई है। तो उन्होंने बताया कि मंदिर का गल्ला टूटा हुआ है, बाकी मुझे कोई पता नहीं है। तो तुरंत मैं यहाँ 7:45 बजे मंदिर पहुँच गया, तो यहाँ देखा, अंदर तो नहीं मैं गया लेकिन बाहर से देखा तो गल्ला टूटा हुआ था। हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया, उसके बाद पुलिस आई, पुलिस ने अपनी जांच की। इससे पहले भी 2010 को एक बड़ी चोरी हुई थी जिसमें कि लगभग 50 हजार 7 बटोइयां और 100-150 कंबल चोरी हुए थे। तो आज भी गल्ला ही टूटा है, जो भी कैश था गले से वो निकाल कर ले गए हैं चोर।